गुड मॉर्निंग स्टूडेंट नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेकेंड क्या देख के रखा है देखिए एफ डब्ल्यू टू डब्ल्यू अब डब्ल्यू क्या है यहाँ पे होल नंबर होल नंबर से होल नंबर बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन माइनस वन इफ एन इज ऑट मतलब जो हमारे पास एन एक नंबर रहेगा और एन कौन सा नंबर रहेगा ऑट तब ये फंक्शन डिफाइंड है कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन माइनस वन एंड द एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस वन इफ n इज इवन मतलब अब हमारे पास कितने फंक्शन हैं दो डिपेंड ऑन n इवन एंड ऑट इवन के लिए अलग फंक्शन डिफाइंड है और ऑट के लिए अलग है क्लियर ये तो डिफाइन करके दे दिया अब हमें प्रूफ क्या करना है देखिए शो देट f इज इन्वर्टेबल क्या प्रूफ करना है सबसे पहले एफ इज इन्वर्टिबल अब मुझे ये बताइए कि एफ इज इन्वर्टिबल कब होगा जब वो बाइजेक्टिव होगा और बाइजेक्टिव कब होगा जब वो वन वन और ऑन टू होगा इट मीन्स हमें फाइनली क्या प्रूव करना है सबसे पहले इन्वर्टिबल और उसके लिए कंडीशन कौन कौन सी सेटिस्फाई करनी है कि फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू जैसे ये दो कंडीशन प्रूफ हो जाती है इट मीन फंक्शन इज इनवर्टिबल क्लियर अब ये तो पहला केस था कि हमें इन्वर्टिबल प्रूफ करना है नाउ द सेकेंड केस सेकेंड केस क्या देखे रखा है फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ क्या फाइंड करना है इनवर्स ऑफ एफ जहां पर हियर W इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे W का मीनिंग क्या है होल नंबर तो डब्ल्यू वो डिफाइन करके दे रहा है लेकिन हमें क्या फाइंड करना है फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स फाइंड करना है मतलब अभी फंक्शन का एफ डब्ल्यू टू डब्ल्यू हम फिर जी में डिफाइन करेंगे और जी ऑफ वाई फंक्शन निकाल लेंगे उसके लिए हम क्या प्रूफ करेंगे गॉफ और फॉग दोनों आपस में क्या होना चाहिए इक्वल क्लियर तो हमें ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा इनवर्स फंक्शन क्लियर तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं लेकिन देखिए यहाँ पे सम में बोला है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ क्लियर बोला है कि इनवर्स फाइंड करना है इट मीन्स डेफिनेटली ये इन्वर्टेबल तो होगा ही तो हमें ये चेक करना है सबसे पहले वन वन है या नहीं तो देखिए सम को करते वक्त सबसे पहले जो भी गिवन है हम वो लिखते हैं गिवन क्या है फंक्शन इज डब्ल्यू टू डब्ल्यू इट मीन्स होल नंबर टू होल नंबर डिफाइंड क्या ऐसे डिफाइन करा है देखिए एफ ऑफ एन एन माइनस वन कब होगा जब वेन एन इज ऑड एन क्या होगा ऑड होगा राइट एन प्लस वन वेन एन इज इवन जब ऑड होगा तब ये फंक्शन लेंगे जब हम इवन नंबर सिलेक्ट करेंगे तब हम ये फंक्शन लेंगे राइट right? मतलब अब हमें दोनों फंक्शन के लिए चेक करना है राइट right? तो सबसे पहले उसको सिंपल और इजी वे में मैं आपको क्लियर कर देती हूँ डब्लू टू डब्ल्यू ले लिया हमने राइट right? जब इस फंक्शन में मैं टू रखूंगी टू क्या है हमारे पास इवन नंबर तो इवन नंबर के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा एन प्लस वन तो देखिए यहां मैंने जैसे ही टू रखा तो टू प्लस वन कितना आ गया थ्री मतलब उसका कोडोमेन कितना हो गया थ्री और जब थ्री रखूंगी और नंबर तो फंक्शन क्या होता है एन माइनस वन तो थ्री माइनस वन टू मतलब हर एक नंबर के लिए इंडिविजुअली एक अलग अलग इमेज मिल रही है राइट मतलब इनपुट के लिए हर एक आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट है ठीक है अगर हर एक के लिए इमेज अलग अलग है डिफरेंट डिफरेंट है इट मीन्स ये क्या हो गया वन वन फंक्शन ये तो बाय मेपिंग हमें समझ में आ गया लेकिन अगर रिटर्न में हमें लिखना है ये मैंने इवन और ऑर्ट दोनों के लिए करके एक साथ बता दिया की दोनों केस के लिए फंक्शन कैसा है वन वन है राइट पर यहाँ पर अगर हमें चेक करना है वन वन तो हम एक बार इवन के लिए चेक करेंगे और एक बार ऑर्ड के लिए चेक करेंगे राइट देखिये कब चेक करेंगे नाउ द फर्स्ट केस इज वेन एन इज इवन एन कब होगा इवन देखिये फोर वन 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 के लिए चेक कर रहे कंडीशन क्या होती वन वन की इफ एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू इम्प्लाइज दैट एक्स वन इक्वल टू एक्स टू ये कंडीशन होती वन वन की कि अगर हम फंक्शन इक्वल लेके चले तो उसके वेरिएबल भी क्या आना चाहिए इक्वल क्लियर तो यहाँ पे एक्स वन और एक्स टू वो वैल्यूज है राइट right? ये वैल्यूज किसकी रहती है डोमेन की रहती है राइट right? तो फंक्शन अगर हमारे पास यहाँ एन में डिफाइंड है तो हम यहाँ पे वैल्यू एन वन और एन टू ले लेंगे और वो कहा बिलोंग करेगा डोमेन में देखिए लेट एन वन एन टू बी टू वन फंक्शन मतलब यहां से वैल्यू ले ली हमने इवन फंक्शन की राइट right? तो देखिए इफ एफ ऑफ एन वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन टू अब इवन ले रहे तो कौन सा फंक्शन आएगा एन प्लस वन एन वन प्लस वन एन टू प्लस वन प्लस वन प्लस वन कैंसल इट मींस एन वन इज इक्वल टू एन टू मतलब हम फंक्शन इक्वल चल लेके चले थे हमारे कौन वेरिएबल इक्वल आ गए राइट इट मीन्स इट इज वन वन मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया वन वन हो गया इवन के लिए हो गया नाउ वी हैव टू चेक सेकेंड केस वेन एन इज ओड जब एन क्या रहेगा और सेम एज इट इज हमें वापस से अगेन कितने एलिमेंट लेना है दो अगेन हमने क्या ले लिया एन वन एंड एन टू हम चेक करेंगे वन वन के लिए लेट एन वन और एन टू बी टू ऑट फंक्शन ये ऑर्ड फंक्शन के लिए राइट right? लेट एफ ऑफ एन वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन टू क्लियर तो एफ ऑफ एन वन क्या डिफाइन कर रहा है ऑर्ड के लिए एन माइनस वन तो ये हो जाएगा एन वन माइनस वन इज इक्वस टू एन टू माइनस वन माइनस वन माइनस वन कैंसल आउट कितना एन वन इज इक्वस टू एन टू राइट इट इज वन वन मतलब ये इवन केस के लिए भी वन वन है और ऑड केस के लिए भी वन वन है इट मीन्स ओवरऑल फंक्शन हमारे लिए क्या हो गया है कि ये क्या है वन वन और इसको मैंने बाय मैपिंग से भी आपको क्लियर करके बता दिया कि ये फंक्शन कैसा है हमारे पास वन वन वे अब हमें बस एक केस और चेक करना है कि फंक्शन कैसा होना चाहिए ऑन टू ऑन टू के लिए अब हम चेक करेंगे देखिए। अब हम किसके लिए चेक करेंगे ऑन टू के लिए ऑन टू के लिए हमने ये बना लिया और डोमेन और कोडोमेन, राइट देखिए हमने यहाँ फंक्शन रखा टू आर और ये है टू आर प्लस वन राइट देखिए यहाँ पे जब मैं आर इक्वल्स टू वन रखती हूँ आर इक्वल्स टू वन पुटअप करती हूँ तो ये कितना हो गया टू वन जा टू यहाँ पे रखा आर वन तो टू वन जो टू प्लस वन कितना आ रहा है थ्री मतलब मैं इवन लेके चल रही हूँ मिल क्या आ रहा है ऑड मतलब हर एक नंबर के लिए मेरे पास आउटपुट है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हर नंबर के लिए मेरे पास एक प्री इमेज अवेलेबल होगी ऑनटू में मुझे किसके लिए काम रहता है ओनली कोडो इस में इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज नहीं हो राइट right? तो वन वन के लिए डोमेन इज मस्ट कि हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए राइट ऑन टू के लिए को डोमेन इज मस्ट कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होना चाहिए एक भी यहाँ एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए तो देखिए यहाँ पे हर एक एलिमेंट की सिंगल सिंगल एक इमेज होगी तो प्री इमेज ऑलरेडी अवेलेबल है इट मीन्स कि इट इज क्लियर दैट कि एवरी एलिमेंट ऑफ टू आर प्लस वन मतलब टू आर प्लस वन देयर इज ए प्री इमेज इन टू आर मतलब हर एक की एक प्री इमेज यहाँ पे क्या है अवेलेबल है उसने नंबर ना लेते हुए क्या ले लिया है ये ले लिया आप यहाँ पे ले सकते हो की एलिमेंट ऑफ थ्री इट्स प्री इमेज टू इन डोमेन मतलब थ्री की प्री इमेज जो टू है वो डोमेन में क्या है अवेलेबल है इस तरीके की हर एक एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में अवेलेबल है अगर ऐसा होता है तो फंक्शन कैसा हो गया ऑन टू हो गया तो इज वन वन एंड टू क्लियर हो गया कि ये ऑन टू भी है जब वन वन और ऑन टू हो गया इट मीन फंक्शन कैसा है इनवर्टिबल है और फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो डेफिनेटली फंक्शन क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा राइट right? फंक्शन क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा राइट right? यहाँ पे मैंने ये जी लिखा एफ लिखा है यहाँ जी आ जाएगा देखिए फंक्शन क्या डिफाइन करा अब मैंने जी जो डब्ल्यू से डब्ल्यू जा रहा है अगेन ये होल नंबर से होल नंबर जा रहा है कैसे डिफाइन कर रहा है जी ऑफ वाई जो फंक्शन मेरा वहां एफ के लिए एन में था मैं चाहू तो यहाँ पे फंक्शन एन की प्लेस पे एम भी ले सकती हूँ मैंने वाई ले लिया जैसा हम हमेशा लेते थे हमेशा हमारे पास फंक्शन एफ के लिए एक्स में डिफाइंड रहता था हम जी के लिए वाई लेते थे यहाँ हमारा फंक्शन एफ के लिए एन में डिफाइंड है तो जी के लिए आप चाहो तो एम ले लो मैंने वाई ले लिया वाई से कर दिया ठीक है तो g ऑफ y क्या हो जाएगा कि जब y माइनस वन होगा तो ऑड होगा y प्लस वन होगा तो इवन राइट right? तो चलिए आइए देखिए तो देखिए हर बार जब भी हम इनवर्स फाइंड करते थे तो गोफ और फोग निकालते थे एक बार गोफ और एक बार फोग क्यों क्योंकि हमारे पास एक ही फंक्शन डिफाइंड रहता था इस इस समय हमारे पास कितने फंक्शन डिफाइंड है दो एक इवन के लिए है और एक ऑड के लिए तो इवन के भी दो केस हो जाएंगे और ऑड के भी दो के हो जाएंगे दो फॉग और दो गोफ तो देखिए हम सबसे पहले हमेशा गोफ फाइंड करते थे नाउ एन इज ऑड एन क्या लेके चलेंगे हम ऑड लेके चलेंगे ऑड इट मींस ऑड इट मीन्स जैसे हम एफ के लिए एक्स रहता था तो गोफ ऑफ एक्स निकालते थे यहां हमारे पास एन है तो गोफ ऑफ एन निकालेंगे राइट right? एन जब ऑर्ड रहेगा तो देखिए गोफ ऑफ एन राइट right? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एन लिख सकते हैं राइट एफ ऑफ एन ऑर्ड में क्या डिफाइन करके रखा था एन माइनस वन आप आगे देख सकते हैं कि एन इज ऑर्ड था तो फंक्शन क्या था एन माइनस वन ठीक है या मैंने लिखा है जी ऑफ एन माइनस वन राइट तो हमेशा देखिए जब भी मैं डोमेन में कोई वैल्यू पुटअप करती थी तो मुझे क्या मिलता था इवन रखती थी तो ऑड मिलता था ऑड रखती थी तो इवन मिलता था राइट right? फंक्शन यही मिलता था तो एज इट इज अगर ये ऑड है तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा इवन मिलेगा तो इवन के लिए फंक्शन क्या था मेरे पास वहां पे एन प्लस वन तो ये है मेरा एन और ये रहा प्लस वन याद रखना कि जब भी मैं ऑर्ड पुटअप करूंगी तो रिटर्न मुझे क्या मिलेगा इवन इन तो के लिए यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करेंगे n माइनस वन जो है वैल्यू प्लस वन तो माइनस वन और प्लस वन आपस में क्या होगा गया कैंसल आउट क्या मिल गया n मतलब जब हम यहाँ पे fog ऑफ x लेते थे तो x आता था यहाँ हमने लिया गोफ नहीं यहाँ जब हम लेते थे गोफ ऑफ x लेते थे तो x आता था तो यहाँ पे गोफ ऑफ n लिया तो कितना आ गया n कौन से केस में और अब वही केस में हम क्या ले लेंगे इवन गोफ ऑफ एन एज इट इज जी ऑफ एफ ऑफ एन हो गया एफ ऑफ एन इवन में क्या होता है एन प्लस वन एन प्लस वन होता है अब ये क्या है इवन तो इवन है तो अब मुझे रिटर्न क्या मिलना चाहिए के लिए क्या होता है एन माइनस वन तो एन की प्लेस पे ये फंक्शन आ जाएगा एन प्लस वन और ये माइनस वन तो अगेन प्लस वन और माइनस वन क्या होगा कैंसल आउट कितना मिल गया एन मतलब गॉफ मैंने दोनों से निकाल लिए ऑड और इवन से और हमारे पास एज इट इज आइडेंटिटी वैल्यूज आ गई अब हम चेक करेंगे फोग राइट फोग ऑफ y y पे डिपेंड करेगा राइट right? सिमिलरली y इज ऑड ऑड पे लेके चलेंगे तो फोग ऑफ y क्या लिखेंगे f ऑफ g ऑफ y g ऑफ y हमारे पास ऑड में क्या डिफाइंड है y 1 हमने एज इट इज लिखा देखिए ऑड के लिए है तो ऑड रखेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए इवन तो देखो इवन क्या है ये है तो y के प्लेस पे y 1 और ये प्लस वन क्लियर तो प्लस वन माइनस वन आपस में कैंसल आउट पार्ट क्या बचा हमारे पास वाई इट मींस कि मैं फोग ऑफ वाई लेके चली थी वाई मिला कब जब वाई इज ऑड हो ठीक अब वाई इज इवन इवन के लिए हम क्या फाइंड करेंगे फोग ऑफ वाई एफ ऑफ जी ऑफ वाई ऑफ वाई की प्लेस पे अब मैं क्या रखूंगी इवन में y प्लस वन अब ये इवन है तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा ऑड नंबर तो ऑड नंबर क्या है वाई माइनस वन वाई की प्लेस पे ये फंक्शन पुट अप करा और माइनस वन तो अगेन प्लस वन माइनस वन कैंसल आउट क्या मिला वाई मतलब गॉफ और फॉग आपस में क्या होगा इक्वल हो गए क्योंकि ये दोनों कैसी सी आईडेंटिटीज वैल्यूज है ठीक है पर यहाँ पे हमने इसे दो दो बार क्यों निकाला है? क्योंकि ऑड और, और इवन पे डिपेंड करता है तो यहाँ देखिये जो गॉफ मिला है वो आइडेंटिटी वैल्यूज है मतलब आई डब्ल्यू आर इसलिए लिखते थे तब हम आई आर मतलब वो रियल था यहाँ पे डब्ल्यू क्या है होल नंबर तो ये आइडेंटिटी वैल्यूज हो गई और गोफ भी क्या हो गई आइडेंटिटी वैल्यूज तो ये आपस में क्या हो गए दोनों कैसे हो गए इक्वल यहाँ पे फोग आएगा गॉफ भी हो गया और फोग भी दोनों क्या हो गए आइडेंटिटी वैल्यूज थर्स एफ इज इन्वर्टिबल क्लियर ये दोनों इन्वर्टिबल है अब यहां पर देखिए कि दोनों वैल्यूज कैसी है सेम है मतलब जो इन्वर्ट ऑफ एफ है वो क्या है जी है मतलब जो इनवर्स ऑफ एफ मतलब एफ इनवर्स किसके इक्वल हो गया जी के जो कि क्या है विच इज सेम एफ के इक्वल है दोनों वैल्यूज कैसी आ रही है सेम ही आ रही है राइट right? तो द इनवर्स ऑफ एफ इज एफ इट्स मतलब जो एफ इनवर्स है वो एफ का ही एफ के ही इक्वली है मतलब एफ इनवर्स इक्वल एफ के आएगा राइट right? हमें इतना न लिखना है डायरेक्ट हमें ये भी लिख सकते कि ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है एफ क्या हो गया इनवर्टेबल हो गया जो इन्वर्स ऑफ एफ है वो जी के इक्वल है और जी ऑफ फंक्शन ऑलरेडी क्या डिफाइंड दे के रखा है तो जो इन्वर्स ऑफ एफ है वो खुद एफ का ही इट्स एफ है क्योंकि आपस में इक्वल है राइट तो हमारी कंडीशन क्या हो गई प्रूफ हो गई कि एफ इनवर्स मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ खुद एफ एफ इनवर्स इक्वल के बराबर है